नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल से, मैं रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं मेटल स्क्रैप बिजनेस, इसमें आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट, कॉपर इनगोट प्लांट, एल्युमिनियम इनगोट प्लांट, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग आप स्टार्ट करना चाहते हैं और इसमें मेरी कोई आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपकी से पूरी हेल्प करूंगा। प्लांट लगाने से लेके मटेरियल परचेज तक और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इनगोट्स, उनको बेचने तक मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ। क्योंकि मेरे पास 12 साल 13 साल से इसमें बिजनेस में हूँ और मेरे पास का पूरा नेटवर्क है, जिसमें लोग मेरे पास खरीदार करने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं और उसको कंज्यूम करने वाले भी हैं। मेरे पास तीनों इजीली अवेलेबल हैं। अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसमें भी मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ। इसमें हम अपनी फीस चार्ज करते हैं, वो हम अपनी कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, उसके बाद हम अपनी सर्विस पूरी देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, नहीं तो वीडियो देख के आप नॉलेज गेन कीजिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैटरी रिसाइकलिंग के बारे में कि उसका प्रोसेस क्या है और लास्ट में हमें क्या उसमें प्रोडक्ट मिलता है। तो वीडियो बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले बैटरी को लाई जाती है एक लॉट में, जो एक साइज उसका स्टैंडर्डाइज साइज होता है, उस हिसाब से अंदर जो बैंड शो होता है उसको सेट किया जाता है कटिंग मशीन में। फिर उस हिसाब से बैटरियों को इसमें रखा जाता है और वो जो इसके अंदर बैंड शो लगा हुआ है, ब्लेड लगा हुआ है, उससे बैटरी की जो ऊपर की प्लेट होती है उसको कट कर दिया जाता है और इसका एक साइज होता है उसको सेट करना पड़ता है, तभी ये बैटरी इसका जो ऊपर का प्लेट है वो आराम से काट सकती है। अगर साइज आप सेट नहीं करोगे तो बैटरी वो नीचे से काटेगी तो उसमें लेड भी चला जाएगा साथ में, तो प्लास्टिक का ऊपर वाला हिस्सा कट के अलग हो जाता है तो बैटरी और उसके अंदर का जो मसाला होता है वो बाहर गिर जाता है। उसके बाद दोस्तों इसको ग्राइंड किया जाता है ग्राइंडर के थ्रू, जो आप देख रहे हैं सामने। अब इस ग्राइंडर के थ्रू जो इसका मसाला होता है और प्लास्टिक होती है वो अलग अलग हो जाती है। और दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में जो बैटरी का जो पिसा हुआ मटेरियल होता है उसको अलग अलग करके अलग अलग साइलों में स्टोर कर लिया जाता है। जो उसकी मिट्टी होती है उसको अलग स्टोर किया जाता है, जो उसके अंदर से लेड निकलता है उसको अलग स्टोर किया जाता है, जो प्लास्टिक होता है उसको अलग स्टोर किया जाता है। इस तरह से जो आप सामने देख रहे हैं साइलोज है, इसमें स्टोर किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जब इसका सेपरेशन हो जाता है, सेपरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो सेपरेट किया हुआ मिट्टी होती है, जो लेड से लेड एसिड बैटरी से निकाली हुई है, उस मिट्टी को जो इसमें लेड भी होता है और लेड ऑक्साइड भी होता है, दोनों को ये रोटरी फर्नेस में इसको मेल्ट किया जाता है एक सर्टन टेम्परेचर पे, जिससे लेड इजीली मेल्ट हो जाता है और जो उसकी मिट्टी होती है, जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज होती है, वो ऊपर आ जाती हैं और ऊपर होके हमें प्योर लेड नीचे मिल जाता है। उसके बाद लेड को हम अपने कन्वेयर के थ्रू, मेटेलिक कन्वेयर के थ्रू इसको इनगोट में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो इसमें से लेड हमें निकलता है वो 99.96% का होता है। अभी भी ये पूरा प्योर नहीं होता है क्योंकि इसमें इतनी इम्प्योरिटीज होती हैं। अभी भी ये जो लेड निकलता है ये प्योर नहीं है, इसमें 0.4% इम्प्योरिटीज होती हैं। फिर इसी तरीके से हमारे कन्वेयर बेल्ट से जो लेड इनको ठंडी हो जाती हैं उसको अलग निकाल लिया जाता है इस प्रकार से। लास्ट में हमें जो लेड इनगोट मिलता है वो इस प्रकार से हम इसको स्टोर करके आगे मार्केट में बेचने के लिए रेडी हो जाता है। अब दोबारा बैटरी जब बनेगी या दोबारा लेड का कोई यूज़ होगा तो इसका हम इस्तेमाल करके बैटरी बनाएंगे और केबल्स में भी इस्तेमाल करेंगे। कई केबल्स आती है जो उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। और दोस्तों लेड्स का जो लेड इनगोट्स है इसकी डिमांड डे टू डे बढ़ती जा रही है क्योंकि बैटरीज का फ्यूचर बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में जब लिथियम आयन बैटरीज आ जाएंगी तब इनका थोड़ा फ्यूचर डाउन हो जाएगा। अभी तो फिलहाल इसकी बहुत डिमांड है और हो सकता है 2026 से 27 से थोड़ी इसकी डिमांड कम हो जाए क्योंकि इनका यूज़ होना बंद हो जाएगा। तो घरों में जो इस्तेमाल हो रहा है वही सिर्फ उतनी चलेंगी, बाकी इलेक्ट्रिसिटी जो व्हीकल्स आ जाएंगी तो लिथियम आयन बैटरी का उसमें इस्तेमाल होगा, तो उसमें लेड का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों आप भी इस बिज़नेस को करके पैसा कमा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि मेटल स्क्रैप बिजनेस है, इसमें हमेशा अप डाउन आते रहते हैं, आपको बस अच्छा कैलकुलेशन करके अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। तो आई थिंक दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा बैटरी रिसाइकलिंग कैसे होता है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया ये आपको। अगर आपको पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना है 1 टन 2 टन 3 टन के हिसाब से पर डे के हिसाब से, तो हम उसका पूरा कैलकुलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भी हम प्रोवाइड करते हैं, उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इसका प्लांट लगाना है, पूरी प्लांट लगाने से लेके बैटरी सप्लाई तक हम आपकी इसमें पूरी हेल्प करेंगे। तो जो भी दोस्त अगर इसमें काम करना चाहता है वो मुझे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी डाल सकता है
हम प्रॉपर उनको कंसल्ट करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे हर चीज़ की, बैटरी की, प्लांट की, और उसको चलाने ऑपरेशंस कैसे करना है सबकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मुझे किस चीज़ का क्या कमी मेरी वीडियो में थी और मुझे क्या नया करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।